गाइज ये है Realme 11 Pro Plus जो कि एक 100 वॉट के चार्जर के साथ आता है और कंपनी प्रॉमिस करती है कि 26 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो डेटा टेस्टेड इन Realme इंटरनल लैब्स, मतलब कि ये जो 26 मिनट आपको देखने मिलता है ये सबसे कम टाइम है जिसमें ये फोन एवर चार्ज हो सकता है। बिकॉज ब्रांड जब अपने लैब में चार्जिंग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो वो सबसे कम नंबर चाहते हैं क्योंकि तभी फोन बिकेगा, और इस वजह से काफी लैब का टेम्परेचर कम करके बहुत सारे तिगड़म लगा के सबसे कम ये 26 मिनट का नंबर आया है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में बिना किसी एसी वगैरह के ये Realme 11 Pro Plus विद 100 वॉट का चार्जर कितने टाइम में चार्ज होता है वो बता रहा हूँ, बस आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लो, दबा लिया ओके। अभी यहाँ देख पा रहे हो 9% से हम लोग चार्जिंग टेस्ट शुरू करने वाले हैं क्योंकि नॉर्मली कोई 0% से नहीं शुरू करता, तो यहाँ देख सकते हो 9% से अभी हमने चार्जिंग शुरू कर दी है और इसको अभी 5 मिनट चार्ज होने देते हैं, देखते हैं 5 मिनट में ये 100 वॉट का चार्जर कितना परसेंट चार्ज करता है। 5 मिनट हो चुके और यहाँ पे देख सकते हो 23% तक फोन चार्ज हुआ हुआ है और अभी 24 भी हो गया, मतलब टोटल 5 मिनट में आपका फोन 24% तक चार्ज हो जाएगा जो काफी सही है। लेकिन अब हम लोग अगले 5 मिनट यानी टोटल 10 मिनट्स के बाद देखने वाले कि फोन कितना परसेंट है। ओके, वीडियो में टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, अभी 10% हो चुके और यहाँ पे आप लोग बैटरी देख सकते हो टोटल 39% तक चार्ज हो चुका है, मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, मतलब मैं चाहता थोड़ा और चार्ज हो जाता, बट कोई नहीं अगले 10 मिनट के बाद देखते हैं, मतलब टोटल 20 मिनट्स के बाद। तो एज एक्सपेक्टेड 20 मिनट्स भी हो चुके और यहाँ पर हमारा जो फोन है वो 65% से 66 भी हो गया, मतलब टोटल 66% 20 मिनट के बाद 100 वॉट का यह चार्जर चार्ज कर देता है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि अगले 6 मिनट में ये 100% नहीं होने वाला क्योंकि 26 में 100 दावा है, जो कि मैंने कहा भी था कि नहीं होने वाला क्योंकि हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में नहीं है और तिगड़म विगड़म नहीं लगाया। तो 30 मिनट्स के बाद देखते हैं कि हमारा फोन कितना परसेंट है। 30 मिनट्स हो चुके और हमारा जो फोन है वो 92% तक चार्ज हो चुका है और अब मैं आपको बताता हूँ कि 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। यहाँ देख सकते हो 100% हो चुका है और टोटल टाइम है 36 मिनट्स, मतलब कि 26 से 10 मिनट ज्यादा 36 में अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट पे चार्ज कर देता है। और एक और चीज मैं बता दूं, चार्जिंग के बाद फोन जरा भी हीट नहीं हुआ है, मतलब नॉर्मल जो थोड़ा मोड़ा गर्मी है तो थोड़ा सा हीट फील होता है, बट ऐसा कोई हीटिंग इशू नहीं है चार्जिंग के टाइम, बहुत मतलब फोन अपने नॉर्मल में रहता है, बट हाँ चार्जिंग ब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है तो चार्ज करने के आराम से निकालना। बाकी इस वीडियो में यही सब था, आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।